नमस्कार साथियों, आदाब। मैं शफी मोहम्मद सैफी एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। देश की बड़ी खबरों और एनसीआर क्षेत्र की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ग्रेटर नोएडा में सेंटर फॉर डायबिटीज केयर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने वाले, डायबिटीज के बारे में जागरूक करने वाले अमित कुमार गुप्ता को वर्ष 2021-22 के लिए एडीए के एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। अमित गुप्ता अमेरिकन कॉलेज ऑफ एंटी कोरोनोलॉजिस्ट की डायबिटीज रिसोर्स सेंटर कमेटी के भी सदस्य हैं। वे रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया की सोशल मीडिया कमेटी एवं उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन के गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी हैं। डॉक्टर अमित गुप्ता ने अपने कार्य से गौतम बुद्ध नगर को डायबिटीज के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन विश्व की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है जो डायबिटीज के लिए शोध कार्य व जागरूकता के लिए काम करती है। सबसे पहले तो डॉक्टर अमित गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ और हमारी तरफ से कि आपने ग्रेटर नोएडा का नाम विश्व स्तर पर पहुंचाया है। हम बात करेंगे आपसे इस सम्मान के बारे में, और आप पहले भी जो आपको सम्मानित किया जा चुका है। धन्यवाद सैफी जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और ये सब चीज़ें आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद के कारण से ही संभव हो पाती हैं। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन जो है वो विश्व की डायबिटीज़ की सबसे बड़ी संस्थान है, और ये संस्थान पिछले लगभग 80 सालों से डायबिटीज़ के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। ये केवल डायबिटीज़ रिसर्च और डायबिटीज़ एजुकेशन पे काम करता है, और इसके लाखों सदस्य हैं वर्ल्ड वाइड। इस वर्ष अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने मुझे अपने मेम्बरशिप एडवाइजरी बोर्ड का मेम्बर नियुक्त किया है, और यह नियुक्ति 2021-22 के लिए की गई है। तो मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैंने इस संस्था में एज ए कम्युनिकेशन डायरेक्टर भी काम किया है। मैं डायबिटीज़ इन प्राइमरी केयर इंटरेस्ट ग्रुप का कम्युनिकेशन डायरेक्टर था 2019 से 2020 तक, और इस साल मुझे ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पहले भी तो और सम्मानों से नवाजा गया है, उनके बारे में कुछ बताएं। सैफी जी, सम्मान कार्य को देख करके मिलते हैं, और मैं इस बारे में बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि कार्य बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मेरे कार्य को रिकॉग्निशन भी मिला है, और लोगों ने अलग अलग मंच पे उसको सम्मानित भी किया है। और लेकिन हमारा उद्देश्य एक यही है कि हम डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकें, उनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं, चाहे वो रिसर्च है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो ट्रीटमेंट है, तो हम इस क्षेत्र में उनके लिए लगातार काम करते रहे। देखिए, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ एक आजकल हर घर में डायबिटीज़ पहुँच चुकी है, और मुश्किल ही आपको कोई ऐसा घर मिलेगा जहाँ पर आप डायबिटीज़ के मरीज ना हो। तो सिर्फ इसी बात से आप इस बात की गंभीरता का एहसास कर सकते हैं कि डायबिटीज़ कितनी गंभीर बीमारी है, कितनी ज़्यादा फैली हुई बीमारी है, और डायबिटीज़ हमारे एक एक करके हमारे सारे अंगों को डैमेज कर सकती है, चाहे वो हमारा हार्ट है, चाहे लीवर है, चाहे किडनी है, चाहे आँखें हैं, चाहे पैर हैं, और ये एक दबे पाँव से आती है। बहुत बार मरीजों को इसके बारे में एहसास नहीं होता है, अक्सर उनको लक्षण भी नहीं होते हैं या लक्षण पहचान नहीं पाते हैं, और ये अंदर ही अंदर हमारे शरीर के अंगों को डैमेज करती रहती है। अगर हम इसके प्रति जागरूक रहें, अगर हम इसका समय से इलाज लें, इसको नियंत्रण में रखें, तो हम भविष्य में ना केवल अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, बल्कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हुए हम अपने आप को भविष्य में होने वाली कॉम्प्लिकेशन से भी बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको कितना समय हो गया यहाँ ग्रेटर नोएडा में लोगों की सेवा करते हुए? सैफी जी, मैं ग्रेटर नोएडा में पिछले 10 वर्ष से हूँ, और मैं प्रोबेक्स मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा मैंने पहले मैक्स, नवीन आदि इत्यादि हॉस्पिटल में भी काम किया है, और अभी पिछले 1 वर्ष से हमने सेंटर फॉर डायबिटीज़ केयर की स्थापना की है, जो कि एक अपने आप में पहला सेंटर है इस क्षेत्र में, जो कि केवल और केवल डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बना है। इस सेंटर का उद्देश्य सिर्फ डायबिटीज़ के मरीजों का इलाज करना नहीं, उनको डायबिटीज़ के प्रति जागरूक करना भी है। हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ के संबंधित हर तरह के टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है, हर तरह की कॉम्प्लिकेशन को जांचने की सुविधा उपलब्ध है। हमारी जो टीम है उसमें डायबिटीज़ केयर एक्सपर्ट्स हैं, उसमें न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उसमें अदर फूड केयर स्पेशलिस्ट हैं, जो सारे के सारे पेशेंट की हर तरह की केयर करने में सक्षम है। तो सेंटर फॉर डायबिटीज़ का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि वो डायबिटीज़ की संपूर्ण और संपूर्ण चिकित्सक देखभाल प्रोवाइड कर सकें।